नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। दोस्तों, माइक खराब होने की वजह से साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक मैं ये सही कर दूंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप न्यू यूजर हैं या फिर जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, वो बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल को सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बेल मिलेगी, उस बेल को ज़रूर दबाएँ। इससे ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई बहुमूल्य सजेशन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी बात को लिख दें, वो मुझ तक पहुँच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं यायावर साम्राज्य की, तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ घुमंतु लोग। जब ये जो लोग थे घुमंतु, जो खानाबदोश जिंदगी व्यतीत करते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते आते रहते थे और एक जगह अस्थाई जीवन व्यतीत नहीं करते थे, मुख्य रूप से ये जो लोग थे घुमक्कड़ लोग, जिसे हम यायावर कहते हैं, ये मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहते थे और ये घास के मैदान स्टेपी कहे जाते हैं, तो इनको हम स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टेपी के घास के मैदानों में चंगेज़ खान ने, जी हाँ, चंगेज़ खान एक ऐसा शासक था जो कि घुमक्कड़ कबीले से थे। क्या होता था कि जो लोग थे स्टेपी प्रदेश में यानी कि मध्य एशिया में, वो घुमक्कड़ थे और वो कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और उन कबीलों में आपस में कभी लड़ाई होती रहती थी और कबीलों में जो है कोई ज़्यादा संगठित, कोई बड़ा साम्राज्य करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन चंगेज़ खान ने इन्हीं कबीलों का इस्तेमाल करके, इनको एकजुट करके, सेना का सुधार करके और भी कई तरीक़ों से सेना को सुसंगठित करके, चंगेज़ खान ने पहली बार यावर साम्राज्य की स्थापना की और उसने एक घुमक्कड़ यानी खानाबदोश कबीलों को एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना में यूज किया, प्रयोग किया। तो आज हम उसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। आइए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत जो कि है इतिवृत्ति। इतिवृत्ति का मतलब होता है कि उस जमाने में जो भी लोग होंगे उनके द्वारा लिखा गया विवरण, और यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकार आदि, ये सब जो भी दस्तावेज थे सॉरी, इससे हमें इनके बारे में पता चलता है। और जो बहुत ही निर्णायक स्रोत थे वो थे चीनी, मंगोल और फारसी तथा अरबी भाषा में उपलब्ध, यानी कि ये इन भाषाओं में भी हमें बहुत सारे स्रोत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मंगोल साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, यावर साम्राज्य। तो यावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे, यानी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि घुमक्कड़ लोगों ने कैसे इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। जी हाँ, अगर मैं आपको इनके साम्राज्य की सीमा रेखा बताऊं, तो आज के जो आधुनिक संसार है उसमें आप ये समझ लीजिए कि रसिया का आधा भाग यानी रूस का आधा भाग, चाइना पूरा भारत की सीमा तक, और जापान के सागर से लेकर यूरोप तक यानी आधा यूरोप भी उसमें आ जाता है। तो इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करना और उसको सही तरीके से चलाना लंबे समय तक बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा इन्होंने किया, जो कि हमें अलग अलग दस्तावेजों से जानकारी प्राप्त होती है। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धति के सूत्रपात में बांध दिया। यानी एक इन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, आधा यूरोप और उसके साथ साथ मध्य एशिया का पूरा भाग, जापान से लेकर यूरोप तक पूरे क्षेत्र पर इनका अधिकार था। इसके बाद बात आती है, जब मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश की बात करते हैं, तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया। मंगोल जो हैं वे लोग थे जो घास के मैदानों में रहते थे और जिनको मुख्य रूप से, जो आज मंगोलिया देश है वहाँ पर चंगेज़ खान रहता था और वहीं पर उसका जन्म हुआ था, तो उसने वहीं से जो है शुरुआत की। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय थे जिनमें तातार, खितान, मंजू, तुर्की कबीले शामिल थे, यानी ये सब कबीले जो हैं मंगोलिया में रहते थे उस समय। तो ये लोग पशुपालक,
शिकारी संग्राहक थे और कृषि कार्य नहीं करते थे, इन्हें मंगोल कहा गया। यानी ये जो लोग थे वहाँ पर, जो ये कबीले में रहते थे, ये मुख्य रूप से पशुपालक थे, और शिकारी संग्राहक का मतलब होता है कि शिकार करके वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। इसके साथ ही ये निर्जातीय थे और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। यानी निर्जातीय मतलब कि कोई विशेष जाति नहीं हुआ करती थी इनकी, और इनकी जो आपसी भाषा थी इसकी वजह से आपस में जुड़े रहते थे। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यावर को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन जाना पड़ता था। जी हाँ, आपको मैं ये विशेष तौर से बता दूँ कि यहाँ पर खेती नहीं होती थी, और अपने पशुपालक होने की वजह से ये पशुओं से संबंधित, यानी जो उनके पास पशुधन था जिसमें घोड़े, खच्चर और दूसरे भेड़ बकरियाँ, इनसे उत्पन्न होने वाले ऊन, इन सब चीज़ों को ये चीन से व्यापार में इस्तेमाल करते थे, और वहाँ से खाने की वस्तुओं का, मसालों का, अनाजों का व्यापार करते थे, और अपनी तरफ से पशु तथा उससे संबंधित वस्तुओं को बेचते थे। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े, ठीक है, आदि सब बेचा करते थे। इनके लिए बर्बर शब्द इस्तेमाल होता है, क्योंकि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य यानी अर्थ होता है गैर कानूनी लोग। यावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे, यही कारण था कि चीन को, या फिर वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने चीन की दीवार का निर्माण कराना शुरू कराया। उनके आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनवाई, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। तो ये इसीलिए बनवाई गई थी कि मंगोल के जो पशु, ये जो मंगोल के घुमक्कड़ लोग होते थे, ये चीन पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करके लूट के सामान लेके चले आते थे। इससे चीनी साम्राज्य, जो चीनी लोग थे, राजा थे, वो परेशान हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर दीवार का निर्माण कराया, जिसे आज चीन की महादीवार कहा जाता है। जब हम बात करते हैं चंगेज खान की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चंगेज खान कौन था। चंगेज खान जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे साम्राज्य को स्थापित करने में सबसे मुख्य भूमिका निभाई। इसने उन कबीलों को एकत्रित किया जो आपस में लड़ते रहते थे। तो चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजीन था, और 1206 तक उसने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। इसके साथ ही स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने में उसे सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि 1206 में कुरिलताई, ये जो शब्द है कुरिलताई, इसका मतलब होता है एक सभा जिसमें गणमान्य लोग हुआ करते थे, उस समय के प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। तो कुरिलताई की एक सभा में उसे चंगेज खान यानी समुद्री खान या सार्वभौम शासक के रूप की, ठीक है, उपाधि दी गई, और इसीलिए इसे मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। और इसके साथ ही चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ बहुत ही बेमिसाल हैं। ये घुड़सवारी, ये क्या करते थे, हर चीज़ के लिए उन्होंने अलग से व्यवस्था की हुई थी। घुड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सबसे पहले हमें चंगेज खान की सेना से ही मिलता है। घेराबंदी मंत्र और नेपथा चंबारी औसर अभियानों के दौरान हल्के और चल उपकरणों का उपयोग। चल उपकरण का मतलब है कि ये लोग ऐसे उपकरणों का निर्माण करते थे जिसको एक जगह से दूसरी जगह युद्ध में ले जाया जा सके आराम से, और उसका उपयोग किया जा सके। और घोड़ों पर चलते हुए तीर चलाना, ये इनकी बहुत ही अच्छी कला थी, जो इनको युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त होती थी। चंगेज खान ने मंगोलों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे उसके सैन्य अभियानों की सफलता तय हो गई। चंगेज खान ने अपने सभी जो सैनिक हैं उनको जो है दशमलव प्रणाली के अनुसार विभाजित कर रखा था। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, दशमलव प्रणाली का मतलब होता है जैसे 100 सैनिकों पे एक मुख्य सैनिक हो गया, ठीक है, फिर उन वैसे ही एक मुख्य सैनिक अगर 100 सैनिकों को कंट्रोल कर रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से और भी अगर 100 अगर और भी 10 लोग ऐसे, 9 लोग ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके पास भी 100-100 सेना हो गई। तो इस प्रकार से एक टुकड़ी में एक मुख्य सैनिक होता था जो सभी 100 को कंट्रोल करता था, और इस प्रकार से 10 लोग 1000 सैनिकों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन 10 को कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता था। तो इस तरह से ये जो सैनिक ढांचा था, जो संरचना थी, इसको कहते थे दशमलव प्रणाली। इसके साथ ही नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, उन्हें नोमन कहा जाता था। और मैंने आपको बता ही दिया कि उसने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के अनुसार बांट रखा था। इसे जरूरी अपने आंसर में जरूर जरूर लिखें, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें।
मंगोलियन जनजाति संस्कृत के विकास का तीन चरणों में हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला कि जनजाति कबीलों का आरंभिक काल और तुर्क तथा मंगोलों का परस्पर संघर्ष और एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का काल और बुद्ध धर्म को अपनाना। तो जब हम बात करते हैं इनके राज्य की, तो राज्य में संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए जब बहुत बड़ा साम्राज्य होता है तो उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए चंगेज खान ने हरकारा पद्धति अपनाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है हरकारा। हरकारा पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसके अनुसार, ठीक है, मतलब ये एक डाक पद्धति, डाक मतलब चिट्ठी पत्र भेजने के लिए और आदेश भेजने के लिए। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि अपेक्षित दूरी पर नियंत्रित चौकियों में स्वस्थ हुए बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात किए जाते थे। इसके लिए मंगोल लोग अपने खुद के घोड़े स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से घोड़े देते थे और अन्य और पशुओं का, जो उनके पास पशु हुआ करते थे, उसका दसवां हिस्सा प्रदान करते थे। तो ये जो दसवां हिस्सा होता है ये टैक्स के रूप में, यानी कि कर के रूप में लिया जाता था, जिसे कुबकूर कहते थे। यहाँ पर ध्यान से देखें, कुबकूर, जी हाँ, मंगोल लोगों में ये टैक्स था कुबकूर, क्योंकि वहाँ अनाज तो उत्पन्न होता नहीं था, तो इसलिए उनके पास पशुधन होता था, तो पशुधन को टैक्स यानी कर के रूप में लिया जाता था, तो वो जो है कुबकूर है। और इन्हीं कुबकूर के दम पर यह हरकारा पद्धति को बनाया गया था। बहुत ही शक्तिशाली और बलवान घोड़े रखे जाते थे जो बहुत तेज गति से जाते थे अगली चौकी तक और फिर वहाँ से संदेश लेके आते थे। ऐसे ही राज्य के हर क्षेत्र में था और इससे संचार व्यवस्था बहुत ही तेज थी। चंगेज खान ने नवविजित प्रदेशों का शासन अपने चार पुत्रों को सौंप दिया और इस प्रकार चार उलूस का गठन हुआ। ये उलूस ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्य होते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों का एक एकीकृत जनसमूह बन गया था और जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। तो इसी साम्राज्य को हम कहते हैं यायावर साम्राज्य। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। आपको मैं बता दूं कि जो साम्राज्य था यायावर साम्राज्य, इसमें सभी धर्मों के लोग थे और चंगेज खान ने भी अपने अधिकारियों में सभी धर्मों को लोगों को भर्ती कर रखा था। कोई ऐसा नहीं कि बस वो, अगर वो मुस्लिम था तो मुस्लिम कर रखे थे उसने भर्ती, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकारी बना रखा था अपने राज्य में। और यही इनकी विशेषता थी कि इन्होंने किसी एक धर्म के लिए कोई क्रूर या कठोर नियम नहीं अपनाया। हाँ, ये कठोर नियम जरूर अपनाता था, लेकिन किस कार्य में, ये जब कोई चंगेज खां की या फिर यावर साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था तो चंगेज खां उनके साथ बहुत ही क्रूर और निर्दयी तरीके से व्यवहार करता था। अगर आप NCERT को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि एक एक युद्ध में लाखों सैनिकों को मारता था ये। अगर कोई इसकी स्वाधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था, इसका गुलाम बनने से मना कर देता था, तो युद्ध करने के बाद अगर वो चंगेज खां जीत जाता था तो उस राज्य के हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, जानवर को, पक्षियों को, पशुओं को, कोई भी व्यक्ति हो, सबको कटवा डालता था, जिससे चंगेज खां की एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक की इमेज, यानी कि यूँ कहें कि प्रतिबिंब बन गया था। यानी इसको लोग एक क्रूर शासक मानते हैं, निर्दयी शासक मानते थे, क्योंकि पशुओं को भी कटवा देता था और शवों का इतना बड़ा अंबार होता था कि एक एक युद्ध में 13 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 8 लाख ऐसे लोग मारे जाते थे। तो इसीलिए इसे बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक माना जाता है। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अल्पसंख्यक का मतलब है कि मंगोली लोग पूरे साम्राज्य में संख्या के मामले में कम थे, क्योंकि इनकी जो संख्या थी लगभग 100 करोड़ के बराबर थी। पूरे साम्राज्य में जो जनसंख्या थी वो लगभग 100 करोड़ के बराबर थी और उस मुकाबले में मंगोल बहुत ही कम थे। मांस को प्रारंभिक स्वरूप में यशाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 में कुरुलताई में लागू किया था। कुरुलताई क्या है? ये एक सभा है, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। इसके बाद इसमें प्रशासनिक विनिमय है, जैसे आखेट, सैन्य और डाल प्रणाली का, डाक प्रणाली का संगठन। यहाँ गलती से डाल छप गया, ओके। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि
जो इनकी डाक प्रणाली थी, हरकारा पद्धति, बहुत ही अच्छी थी। अब बात कर लेते हैं कि मंगोल के पतन के क्या कारण थे, यानी मंगोलों का अंत क्यों हुआ। तो इनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। इसके साथ ही आपसी विरोध में अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता से मिलाने में भी इन्हें बहुत समस्याएं उत्पन्न होती थी। और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना, यानी कि मंगोल के जो लोग थे वो अन्य धर्मों को भी अपना रहे थे धीरे धीरे, उसमें से बौद्ध भी बने और उसमें से मुस्लिम धर्म भी अपना, मतलब प्रारंभ में ये जो लोग थे ये किसी और जाति के थे, लेकिन इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया, यानी चंगेज़ खान ने बाद में इस्लाम धर्म, और इन सभी लोगों ने जो चंगेज़ खान के जो वंश थे उस सब ने इस्लाम धर्म अपनाया बाद में। तो इसलिए धर्म के बारे में तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ किसी विशेष धर्म से चंगेज़ खान का लगाव था या फिर कोई और दूसरी तरह की ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। सभी धर्मों के प्रति वह उदार रहा और उसने सभी धर्मों के अधिकारियों को यानी व्यक्तियों को अपने यहाँ पर भर्ती किया। और मंगोल के लिए चंगेज़ खान एक महान शासक था, उसके निम्नलिखित कारण हैं, आइए बात कर लेते हैं। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई और पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इन्हीं के राज्य में साम्राज्य में रेशम मार्ग माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था व्यापार के लिए उस समय। इनका शासन बहुजातीय, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे जाति के लोग थे, बहुभाषी, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे, और बहुधार्मिक, अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो ये इनकी मुख्य विशेषता थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आया होगा चैप्टर। तो आज जो है मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में तथा आराध्य शक्ति के रूप में इस देश का हीरो है, ठीक है। यानी कि आज मंगोलिया में इसको बहुत ही एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्र के नायक जो है चंगेज खान को बनाया गया है वहाँ पे मंगोलिया, ठीक है, चीन से ऊपर और रशिया के बीच में पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, शिक्षित हों और स्वतंत्र जो हमारा भारत है उसमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।